अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे कुछ जश्न शादी के सिलसिले में शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने, इसके अलावा मुझे घर सजाने के लिए झंडियाँ, बलून्स, बैजेस, इस तरह 14 अगस्त का जो भी सामान होता है वो सब हम देखेंगे कि हम क्या क्या है मार्केट में। सुना है कि बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है क्योंकि अभी भी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो माशाल्लाह से सुना है कि बहुत ज़्यादा रौनक है। तो चल के देखते हैं कि क्या क्या स्टॉल हैं और किस किस चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो जश्न आज़ादी की सजाई गई हैं। तो मैं आपको आपके साथ सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी मार्केट का भी, और आपको सब दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदारी की है। तो चलें चलते हैं। हम मार्केट आ चुके हैं और इस शॉप पे देखिए बच्चों के ड्रेसेस बहुत ही प्यारे रखे हुए थे, और ये छोटी बच्चियों के भी ड्रेसेस हैं इनके पास, और स्टॉल्स पे भी बहुत अच्छा सामान लगा हुआ है, स्टिकर, बैजेस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस स्टॉल पर बहुत ही अच्छे बच्चों के कपड़े थे, बॉयज़ के, छोटे बच्चों के, और अलियान और अदन के लिए मुझे कपड़े देखने थे, इसलिए मैं यहाँ पे कपड़े देख रही थी उनके लिए। बहुत ही अच्छे कपड़े थे यहाँ पे। सिर्फ शर्ट है, प्यारी लग रही है। ये हम कपड़ों की शॉप पर आ चुके हैं, मुझे अपनी बेटी के लिए ड्रेस लेना था 14 अगस्त का, तो मैं ये कपड़ों की शॉप पर आई हूँ। बहुत ही प्यारी कुर्तियाँ और ड्रेसेस थे यहाँ पे, बहुत ही अच्छे, आप देख सकते हैं ये 14 अगस्त के हिसाब से बहुत अच्छे ड्रेसेस थे शॉप पर। ये चूड़ियाँ का स्टॉल्स पर देखें, मल्टी चूड़ियाँ हैं, गोल्डन हैं, और ये ग्रीन एंड वाइट भी बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ थी इस स्टॉल पे, मैंने भी यहाँ से बाई की हैं चूड़ियाँ। और ये नगों वाले कड़े भी हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारे कड़े थे ये। इस स्टॉल्स पे बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ थी, कड़े थे, और यहाँ से ही मैंने परचेजिंग कुछ की है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। बहुत ही रौनक थी बाज़ार में और बहुत ही घेमा घेमी थी, और रश भी बहुत ज़्यादा था। बहुत ही प्यारा समा था, कराची की रौनकें दोबारा बहाल हो चुकी हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने में। और इंशाल्लाह 14 अगस्त को भी बहुत जोशो खरोश से हम मनाएंगे। और मैंने कुछ इस स्टॉल से बलून्स वगैरह भी लिए थे, आप सबको दिखाऊंगी मैं। ये देखिए, ये मैं शॉपिंग करके आ चुकी हूँ, और आप सबसे मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ, तो ये सब मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, ये बच्चों की सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा ये ड्रेसेस हैं हमारे, अलिशबा का है, मेरा है, अदन और आलियान का भी है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ बारी बारी सब चीज़ें। तो ये तो आजकल सबसे पहले तो ये बाजा आप देखिए, ये बहुत चले हुए हैं आजकल, और ये जो बच्चे हैं ना वो सारे गलियों में या जहाँ पे भी खेलने के लिए जमा होते हैं तो सब बच्चे मिलके और दोस्त बजाते हैं, तो ये आलियान के लिए मैंने लिया है। इसके अलावा ये बच्चों के लिए फ्लैग्स लिए हैं छोटे, और झंडियाँ ली हैं, और ये सर पे लगाने वाला बैंड है, और इसके अलावा ये पोनीज हैं अलिशबा की, और ये मेरी बेटी ने खुद घर में बैज तैयार किया है। इसके अलावा ये कलर्स हैं पेंटिंग के, ग्रीन और वाइट, और साथ ग्लिटर भी है इसके, ये आप देख सकते हैं, पेंटिंग कलर भी वैसे ही कहलाते हैं ये, पोस्टर कलर। और ये जो है ये बलून्स हैं ग्रीन एंड वाइट, बैंगल्स हैं, ये मेरी बैंगल्स हैं, ये मैंने अपने लिए ली हैं, ये देखिए ये कड़ा स्टाइल हो रही है। और ये बैजेस हैं, और इसके अलावा ये देखिए ये अलिशबा का बैंड है हाथ का, ये ब्रेसलेट आप कह लें, और ये रिंग्स ली हैं, ये देखिए ये रिंग्स अलिशबा और मेरी हैं, और ये अलिशबा का हेयर बैंड, और ये देखिए ये अलिशबा का, मैं आपको हेयरबैंड दिखा रही थी। और इसके अलावा ये क्लिप्स हैं अलिशबा के, हेयर क्लिप्स हैं, एयरिंग्स हैं, और ये टॉप्स हैं, और ये भी एक सेट है, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, ये देखिए। और इसके अलावा ये मास्क भी आए हुए हैं आजकल, ये देखिए ये फ्लैग वाले मास्क आए हुए हैं, ये बच्चों के लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये जो है ये बड़ों का मास्क है, और ये सर पे बांधने वाली पट्टी है, ये रिबिन जैसे होता है, ये बच्चे माथे पे अपने बांधते हैं, बहुत प्यारी लगती है ये, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों बांध सकते हैं। ये भी मेरी बेटी ने घर में ही क्राफ्ट करके बनाया है,
ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये मैं आपको अपना ड्रेस नज़दीक से दिखा देती हूँ, ये देखिए ये शर्ट है मेरी, एयरलाइन शर्ट है, ये देखिए। इसके अलावा ये ट्राउज़र है और इसका दुपट्टा है साथ, ये ग्रीन दुपट्टा है इसका। और ये एक अलिशबा का ड्रेस है, ये देखिए, ये देखिए इसकी नेक, ये आप देख सकते हैं, ये अलिशबा का ड्रेस है पूरा। और ये अदन का ड्रेस है, ये देखिए ये अदन का ड्रेस है, ये अदन का शॉर्ट है, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है ये फौजी वाला शॉर्ट, कमांडर्स वाला। इसके अलावा ये अलिशबा का एक और ड्रेस है, ये देखिए ये अलिशबा की शर्ट है और ये दुपट्टा है और इसके साथ ये वाइट ट्राउज़र है। और ये अलियान की एक शलवार कमीज है, ये देख सकते हैं आप। और ये एक अलियान की शर्ट है जो ये किसी भी पैंट के साथ वेयर कर लेंगे, क्योंकि घर में बहुत सी न्यू पैंट्स पड़ी हुई हैं। और ये देखिए ये हमने थोड़े से बलून्स अभी फ़िलहाल लगा दिए हैं, अभी हमें और सजाना है अपना कमरा, ये देखिए। ये मेरी तमाम शॉपिंग है, ये देखिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।